हरदा शहर के वार्ड क्रमांक 28 महारानी लक्ष्मीबाई यादव छात्रवास के पास वार्डवासी गंदगी में गंदा पानी पीने को मजबूर है। वही घरों के सामने भरा गंदा पानी और बनी नालियों में बच्चों के गिरने का डर और बारिश में कीड़े कांटों का डर बना रहता है। वार्डवासियों ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद से बार बार बोलने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर जब 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो शहर की ही पाठक कॉलोनी वार्ड क्रमांक 17 कलेक्ट्रेट रोड पर लगे नल के पास भी यह नजारा नजर आया। गंदगी में पीने का पानी भरते नजर आए लोग। लोगों ने बताया कि क्या करें, यह उनकी मजबूरी है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद से चर्चा की तो उन्होंने काम करवा देने की बात कही। हरदा जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल यानी सनफ्लावर इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नए सत्र से CBSE पैटर्न 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए, जिन्होंने स्कूल को गौरवान्वित किया। पानी पीने से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, हम लोग बीमार होते फिर भी हमको मजबूरी पीना पड़ता, पानी बहता भी नहीं है। पूरा पानी इतना गंदा है, बच्चे आया हुआ है उसमें बैठे हैं, मतलब गंदे सब लेडीज बाथरूम सब कुछ है, यही पानी हमको पीना पड़ता है। तो आपने किसी को कहा ना? सुरेंद्र जी को बोल रहा है, बताया आपने, रोड बना रहा है, नाली बना रहा है, नाली कैसे बनाई कि हम लोग तीन बार नल नल और यहाँ पर नल भी नहीं लगवा रहे, इतना में पानी भी आते ही नहीं है। इस टाइप का पानी उतर जाता है, एक घंटे पानी भी नहीं चलता, 15-20 मिनट चलता है। कंप्लेन कितनी बार की थी, कहती है ना तो नल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या परेशानी है? अभी परेशानी सभी है, पानी का है, रोड का परेशानी है, यहाँ तो किचड़ किचड़ आना पड़ता है, यहाँ तो नल का पानी भी ठिकाना करना, पानी पी रहा है तो पानी पी रहे हैं, चलते पानी पी रहे हैं, बूढ़े इंसान है, चलते बनते हैं, कीचड़ में गिर गिर जाते हैं, नल चलता नहीं हमसे, क्या करे, फिर भी मजबूरी में आते हैं, पानी के पीने के लिए तो आना ही पड़ता है, करना पड़ता है। उन्होंने पानी भरा रहता है, ये पानी रहता भी नहीं, इसमें अनेक प्रकार के जीवाणु रहते हैं, मच्छर रहते हैं, बच्चे हमारे कारण बीमार हो रहे हैं, और उसके पानी की समस्या, पीने का पानी यहाँ से दूर दूर से पीछे से भी लोग केवल पीने का पानी भरने के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ पर पूरा भरा हुआ आप देखें, आज ये काफी पूरा पानी भरा है, आपके वार्ड गंदगी तो होगी, हमारे वार्ड में तो सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है, बाकी रही बची वाली रोड की, तो रोड में क्या है वो काली वाली डस्ट डल नहीं पाएगी, लाल वाली मुरुम डालना पड़ेगा, और भी काफी परेशानियों से, अरे बाकी परेशानी तो सभी है, लोग तो क्या है जितनी परेशानियां हल करो उतनी परेशानियां बढ़ती जाती है। नहीं आज हमने मौके पे आकर देखा, नहीं मौके पे से ये रोड का ही है, बाकी पूरा वार्ड में ये पानी की भी तो बहुत ज्यादा है, पानी की सार्वजनिक लगे हैं, तीन तीन चार चार हर गली में सार्वजनिक लगे हैं, और सबका पानी भरा रहा है, ये नाली गली में पानी भरा रहा है, और रही बची बात ये मेन रोड की, तो ये शुक्ला कॉलोनी जब भेद हो जाएगी तो यहाँ से लाइन जाएगी, दो चार महीने में काम हो जाएगा, ये भी पाइपलाइन डल रही है शुक्ला कॉलोनी, आप जाके पानी पीने को मजबूर है, नहीं नहीं पाइपलाइन डल जाएगी तो फिर गंदा क्यों पीएंगे, नर्मदा जी का प्योर पीएंगे, पहले तो आप ये पानी गर्मी में बांटा हमने, दो दो तीन तीन टैंकर बांटे, We'll be right back.